हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन से एज का इगुआना लेना चाहिए, कौन सी साइज़ का इगुआना लेना चाहिए, कौन सा इगुआना परफेक्ट रहेगा आपको पालने में, कौन से साइज़ का या कौन से एज का इगुआना अच्छा है बिगनर्स के लिए, या फिर जो भी ट्रेंड है आपको तो पता होगा, जो भी एक्सपीरियंस हो गए उनको तो पता है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आप पालते हो तो आपको एक्सपीरियंस आता रहता है। तो सॉरी ये सब नॉइजेज़ आते होंगे आपको, तो उसके लिए सॉरी, मैं टेरेस पे ये शूट कर रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। तो आपको कौन सा इगुआना लेना चाहिए, क्या आपको बेबी इगुआना लेना चाहिए, जुवेनाइल लेना चाहिए या एडल्ट लेना चाहिए, तो इनमें से आप कौन सा इगुआना ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको क्लियर करूँगा कि इगुआनास, देखिए कोई भी आप इगुआना लो वो एग्रेसिव होते हैं, तो आपको उनके साथ पेशेंसली काम करना पड़ेगा। मैं हर एक वीडियो में आपको यही बताता हूँ, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है तो वो कैसा भी इगुआना हो वो टेम हो जाएगा। कोई भी जानवर हो उसको टाइम दोगे तो वो टेम होता है। तो सभी को इगुआना इसीलिए लेना होता है क्योंकि उनके साथ घूम सकते हैं, उन्हें कंधे पे बिठा के यहाँ वहाँ फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी को अच्छा लगता है तो हर एक का अलग अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनको एक अलग अलग चाहत होती है कि उन्हें इगुआना किस लिए चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप इगुआना आपके ज़ू के लिए ले रहे हो या फिर आपको एक एनक्लोजर बनाना है उसमें रखना है, और अगर आप उसके पास नहीं देखोगे, उसके मतलब देखोगे मतलब उसको खाना पीना टाइम टू टाइम दे रहे हो लेकिन उसको टेम नहीं करना है, तो आप किसी भी एज का ले सकते हो, चाहे वो एडल्ट भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन ज़्यादातर सभी को यही चाहिए होता है कि हम इगुआना को उठाएं, कंधे पर घुमाएं, तो यही होता है। तो अब बात आती है कौन सा इगुआना लें ऐसी केस में, तो मैं कहूँगा कि किसी भी एज का इगुआना आपको चलेगा, लेकिन मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगा आपको बेबी साइज़ का, जो बेबी साइज़ आते हैं, जो हैचलिंग साइज़ आती है, हैचलिंग साइज़ से थोड़े बड़े होते हैं। जैसे मेरा टीरेक्स था, तो ये जो टीरेक्स था वो छोटा ही था, तो तब से मैंने पाला है। तो इसका एक एडवांटेज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इनको जो जब हम छोटे बेबी साइज़ के एज से पालेंगे तो हमारा और इनका बॉन्डिंग बनता रहेगा, अच्छा बनेगा। और इसमें होता क्या है कि उसकी जो मूड है, उसके जो मूड स्विंग्स है या फिर उसका एग्रेशन है, ये सब चीज़ें आपको बचपन से पता चलेगी कि क्या करने के बाद आपका इगुआना गुस्सा होगा, कौन सी चीज़ उसे पसंद है, कौन सी चीज़ उसे पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होती है जब आप हैचलिंग साइज़ का बेबी लाए या फिर जो मार्केट में बेबीज़ मिलते हैं तो वो लाए। क्योंकि देखिए इंडिया में अभी फ़िलहाल इंडिया में इसका जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इगुआनास पहले आए हैं रेप्टाइल्स में, जो लिजर्ड्स में है वो इगुआनास पहले आए हैं। बियर्डेड ड्रैगन्स भी है लेकिन उतना क्रेज़ नहीं है बियर्डेड ड्रैगन्स का, इगुआना का सबसे पहला लगा है। और ये सबसे हार्ड जो पेट कहेंगे वो है टेमिंग में या फिर इसे समझने में, ये थोड़ा एग्रेसिव भी होता है। जैसे बियर्डेड ड्रैगन होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं और आप उन्हें अच्छे से पाल सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये उल्टा हो रहा है कि लोगों को ज़्यादा बड़े जो इगुआनास है, ग्रीन इगुआनास, ब्लू इगुआनास, इसके जो भी म्यूटेशंस है वो पसंद आ रहे हैं और लोग इन्हें बाय कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कौन से एज का बाय करूँ, कितने साइज़ का होना चाहिए। तो क्या होता है कि बेबी जो इगुआना होता है, जैसे मैंने बताया कि उसको आप शुरुआत से पालोगे तो वो अच्छा टेम होगा, और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप बड़ा इगुआना लाओ तो वो अच्छा टेम नहीं होगा, लेकिन लेते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो टेम हो। अगर वो टेम नहीं होगा, वो वाइल्ड होगा, जो ब्रीडर है या फिर कोई सेलर है उसके केज में वैसे ही पड़ा था, उसको हैंडलिंग नहीं दी है शुरुआत से, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो एग्रेशन दिखाएगा, काट सकता है, विप कर सकता है टेल से। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, उसको पूछना है कि क्या ये टेम है, तब भी आपको लेना है। अगर आपको मैंने बताया कि जैसे जू में रखना है या फिर किसी बड़े एनक्लोजर में आपको बस रखना है, उसे हैंड टेमिंग नहीं देना है, टेम नहीं करना है, लेकिन नहीं घूमना है, तो आप वैसा इगुआना ले सकते हैं जो वाइल्ड हो। लेकिन अगर आपको हैंडल करना है तो आपको उसे पूछना पड़ेगा कि उस जो एडल्ट या जुवेनाइल इगुआना है वो टेम है या नहीं। देखिए इन्हें टेम करना
इतना मुश्किल नहीं होता है, कोई भी जानवर को टेम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपके पास पेशेंस और आपके पास उनको देने के लिए टाइम होना चाहिए, तभी वो बॉन्डिंग हो सकती है। ऐसे नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जब भी जाए वो आपके पास दौड़ता चला आए, तो वैसे नहीं होता है। ये डॉग्स और कैट्स की तरह नहीं होते हैं, ये आपके पास खुद होके नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन बॉन्डिंग बनेगी तब वो आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बेबी इगुआना लेना बेस्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, एडल्ट साइज़ का भी मिलता है या जुविनाइल साइज़ का भी मिलता है, तो आप उसे ले सकते हो, पाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि जो टेमिंग है वो होना चाहिए उसका, तभी आप उसे आराम से पाल सकते हो। नहीं तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ज़्यादा उसके ऊपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। अगर वो टेम होगा तो वो इजीली उसे समझ जाएगा कि उसे ये करना है। और बचपन में क्या होता है कि जब भी हम उन्हें पालते हैं तो उनकी सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं, तो वो ईजी होता है आपके लिए भी और आपके इगुआना के लिए भी एक दूसरे को समझना। तो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि इगुआना बेबी ले और एडल्ट भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन जो बॉन्डिंग का जो सवाल है वो बेबीज़ के साथ ज़्यादा होगा आपका, अगर आप बचपन से पालोगे। और बेबी इगुआना सर्वाइवल में इतने हार्डी होते हैं, जो इगुआनाज होते हैं ओवरऑल, जो भी इगुआना है वो हार्डी होता है, लेकिन उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अगर आपने बेबी इगुआना लाया और बेबी टर्टल के जैसे उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा बीमारियों का टेंशन नहीं होता है, ये बहुत हार्डी होते हैं। क्योंकि मैं एक आपको बताता हूँ चीज़, ये क्यों हार्डी होते हैं, देखिए रेप्टाइल्स में क्या होता है, टर्टल्स में भी होता है, लेकिन उनको पानी में रखते हैं, वो एनवायरनमेंट अलग होता है, इनका एनवायरनमेंट अलग होता है। तो इनमें क्या होता है कि जो इगुआनाज होते हैं, फीमेल इगुआनाज जो होते हैं, वो इनके एग्स जो है वो मिट्टी में दबा के निकल जाते हैं, इनकी केयर नहीं करते हैं। जब भी मैच्योर हो जाते हैं एग्स, तो उसमें से ये बच्चे निकल जाते हैं, और जैसे ही ये बच्चे अंडों से निकल जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें मैच्योरिटी होती है, मतलब खुद ब खुद वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो खुद ब खुद खाना चालू करते हैं। तो वही एडवांटेज हमें जब भी हम बेबी इगुआनाज लाते हैं तो वो मिलता है, जिससे कि वो खुद ब खुद खाना खाते हैं, ना उन्हें हाथ से फीड करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ये से कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, उन्हें बस प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है, प्रॉपर एनक्लोजर देना है। ऐसे नहीं है कि आपने बेबी इगुआना लाया और उसे छोटे बॉक्स में घुसेड़ दिया और आप बोल रहे हो कि मैंने उसे प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया है, तो ऐसे नहीं होता है। उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट देती है, चाहे आपके पास धूप आती हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास धूप नहीं आती है तो आप यूवी बल्ब्स भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो खैर वो बात दूसरी बात है। तो ये होता है क्योंकि बेबी इगुआनाज में मॉर्टिलिटी रेट ज़्यादा नहीं होता है, अगर वो हेल्दी ही लाया हो, आपने हेल्दी बेबी लाया हो तो नहीं होता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देखें कि इगुआनास कैसा इगुआना लेना चाहिए आपको। तो जो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए इगुआना में, तो उस वीडियो में मैंने सब डिस्क्राइब किया है कि इगुआना परचेस करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इगुआनास के बेबी जो होते हैं वो लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। इगुआनास जो होते हैं वो बहुत ही हार्डी होते हैं, जैसे कि देखिए इसने फूप कर दी भाई।